तो आज है दिवाली और दिवाली के साथ इस साल आया है संडे, तो राइडर्स के लिए तो आज सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग देसी जुगाड़ लगा रहे हैं, लोग लगाएंगे ये यहाँ पे। और कौन कहता है बाइकर्स आलसी होते हैं और बॉयज आलसी होते हैं। अब आप देखो बाइक का कितना खतरनाक कीड़ा रहता है। बाइक भी बहुत अच्छी है, फुली लोडेड देखी हमने। आज दिवाली के मौके पे तुषार के साथ एक सीन हो गया। अभी हम लोग आए हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय आप लिख देना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धवल परेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिपीट ब्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आज है दिवाली और दिवाली के साथ इस साल आया है संडे, तो राइडर्स के लिए तो आज सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। जो लोग संडे राइड करते हैं उनके साथ साथ ये दिवाली स्पेशल राइड भी आज हो जाएगी। तो आज हम लोग कहाँ पर जाने वाले वो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊँगा। मेरे सारे राइडर्स जो है यहाँ पर आ गए हैं, सब रेडी हो गए हैं, तो बस भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की दिवाली स्पेशल राइड। और आप सबको हैप्पी दिवाली। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die. तो यहाँ पे क्या है, कुशल के शूज ने यहाँ पे धोखा दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देसी जुगाड़ लगा रहे हैं, तो हम लोग लगाएंगे ये यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं भरूच का आइकॉनिक ब्रिज केबल ब्रिज पे। अब देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े फोटो खिंचवाए हैं। और ये रही अपनी मिर्ची और ये रहे सारे राइडर्स। एक राइडर जो है वो आगे पहुँच गया है, तो बस चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम लोग कर्जन ऑनेस्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे करेंगे चाय पानी नाश्ता। सुबह निकलते निकलते हम लोग को 7 बज गए थे और अभी हुए 8:20, मतलब 1.5 घंटा जैसा हम लोग को हुआ। पर जो राइड करने की मजा है इन भाई, सुबह सुबह निकलते हैं ना, जो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, गुलाबी ठंडी, उसमें बहुत ही मज़ा आया। और कौन कहता है बाइकर्स आलसी होते हैं और बॉयज आलसी होते हैं। हम लोग सुबह से 4 बज के रेडी होके बाइक को रेडी कर रहे थे, हम लोग खुद रेडी हो रहे थे। मैंने सुबह उठ के बाइक को चेन लूप भी किया है, मतलब आप ऐसा कभी मत बोलना कि बॉयज आलसी होते हैं। हम लोग को ही देख लो, सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग ही है कि सुबह 4 बजे उठ के 5-6 बजे तक हम लोग निकल चुके थे। तो बस यहाँ पे अभी थोड़ा चाय पानी नाश्ता और करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो आज हम लोग आए थे ऑनेस्ट पे, तो यहाँ पे सूरत से एक भाई आया है, अब्दुल भाई, ZX NR लेके। मतलब आप देखो बाइक का कितना खतरनाक कीड़ा रहता है।
कम से कम 120 किलोमीटर यहाँ से होगा। 120 किलोमीटर है। हाँ, इसी और वो सोलो राइड कर रहे हैं, मतलब दूसरा कोई है भी नहीं है। चलो हम लोग तो 5-6 फ्रेंड साथ में राइड कर रहे हैं, और वो तो अकेले अकेले कर रहे हैं, सोलो ही रहता है। तो आप सोचो कि कितना बाइक का इनको कीड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा अब्दुल भाई से मिल के, और राइडर्स की कम्युनिटी एक अलग। हाँ, बाइक भी बहुत अच्छी है इनकी, फुल्ली लोडेड देखी हमने। तो मिलेंगे, सूरत आएंगे तो जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी बाइक्स रखी थी और हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिठाया था कुशाल को, क्योंकि वो सारा सामान देख रहा था हमारी बाइक का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सब लोगों ने अपना अपनी चाय उठा लिए, किसी ने कॉफ़ी मंगवाई, किसी ने चाय मंगवाई। हम लोग खा रहे हैं फाफड़ा खमन गोटा। तो बस इतना खाने के लिए हम लोग वहाँ पे ये राइड करने के लिए आए हैं। तो आज की राइड में हमारे पास जो बाइक्स थी वो मतलब सारी अच्छी बाइक थी, 300 सीसी के ऊपर ही थी। तो सबसे पहले ये है BMW GS, ये है रॉयल इनफील्ड मिट्योर, ये है अपनी मिर्ची हिमालया, ये है हार्ली डेविडसन चीट्स 750, ये है इंटरसेप्टर 650, और ये है डोमिनार 400, और ये है हॉर्नेट टोटल। तो बस इस तरह से हम लोगों ने बाइक रख दी है, तो फोटोज वगैरह खींच लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फोटोज। आज दिवाली के मौके पे कुशाल के साथ एक सीन हो गया, उसका जो पूरा सॉल रहता है वो पूरा निकल गया। तो अभी जो चल रहा है ना, ऊपर से तो परफेक्ट दिख रहा है, पर नीचे वो उसके मोजे पे चल रहा है। मतलब वो पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि शूज पहने पर अंदर कुछ बंदा है। तो अभी हम लोग आए हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, जो भरूच में पड़ता है। तो आज दिवाली का मौका है, तो भगवान के आशीर्वाद लेने जरूरी है, जरूरी है। तो अगर आप भरूच के आसपास हो तो यहाँ पे आओ, बहुत ही अच्छा मंदिर है। भरूच के साथ मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी है इस मंदिर के साथ भी। अभी महादेव जी के आशीर्वाद लेते हैं, तो उसके बाद जाएंगे घर की तरफ। तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय आप लिख देना। तो ये है नर्मदा रिवर, और सुबह हम लोगों ने वहाँ पे फोटो शूट किया था। तो ये है केबल ब्रिज, भरूच का आइकॉनिक केबल ब्रिज, और यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं फोटो शूट के लिए। तो पहले फोटो शूट खत्म कर लेते हैं। तो आज कुशाल के शूज के बहुत सारे अवशेष हम लोगों ने वहाँ होटल पे छोड़े, यहाँ पे मंदिर में छोड़े, जहाँ जहाँ वो चल रहा है वहाँ वहाँ पे उसके शूज के जो सारे पार्ट्स वो गिर रहे हैं, पता नहीं घर तक पहुंचे गए इनके। एक जैसे जैसे चल रहा हूँ वैसे लैसे लग रहा है कि जमीन में से कुछ खिसक रहा है। एक सबूत तो उसका है, अभी मिटा के आया हूँ पीछे। मंदिर में भी दर्शन हो गए, नर्मदा माता के भी दर्शन हो गए, और अभी चलते हैं सीधा घर पे। तो आज दिवाली है तो थोड़ा घर पे भी रहेंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी रील्स अपडेट्स राइड के रिगार्डिंग सब डालते रहते हैं। तो यहाँ पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो जरूर कर लेना। तो बस अभी चलते हैं घर। तो अभी मैं चलाऊँगा BMW GS, संडे राइस दिवाली स्पेशल राइड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। वापस मैं आ गया हूँ होम टाउन में, और अभी मैं हूँ फूड मोहल्ला में।
इतनी धूप हो गई है कि हमको ये ड्रिंक पीना ही पड़ेगा, तब जाके दिल को थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारी अपडेट मैं डालता रहता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।